यूक्रेन और रूस का असल तनाजा, पाकिस्तान किस ब्लॉक का हिस्सा रहेगा, अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, भारत और अमेरिका क्या करने जा रहा है। पहले तो आप सब ये जान लें कि यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन आजाद मुल्क की हैसियत अख्तियार कर गया, मगर वहां की आवाम रूसी जुबान बोलती है और रूसी कल्चर के रस्म रवाज के मुताबिक रहती है। यूक्रेन को दरअसल यूरोप के कई ममालिक की सरहदें लगती हैं और यूरोप के कई ममालिक अमरीका की तरफ झुकाव रखते हैं। ये बात भी जान लें कि यूक्रेन की आवाम का झुकाव रूस की तरफ है, मगर वहां का सियासी ब्लॉक और एस्टेब्लिशमेंट रूस के खिलाफ और अमरीका के हक में है। ये बात रूस को कभी काबिल कबूल नहीं होगी। एक तरफ यूक्रेन का बॉर्डर रूस से मिलता है और साथ कई ममालिक यूरोप के लगते हैं, साथ नेटो भी तैनात है। यूक्रेन में पहले हुकूमती ढांचा रूस का था जो अब यूरोप का हो चुका है, और यूरोप अमेरिका की तरफ और अमेरिका भारत की तरफ है, और चीन रूस को सीपैक में भी शामिल करके नया ब्लॉक बनाना चाहता है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि रूस सीपैक का हिस्सा बने, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन में रूसी तसल्लत कायम हो। पाकिस्तान, रूस, चीन ब्लॉक की हैसियत रखेंगे और दूसरे ब्लॉक में भारत, अमेरिका, यूरोप के कुछ ममालिक भी शामिल होंगे। यह है असल वजह, यूक्रेन रूस तनाजा, और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर है क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते का अहम खिलाड़ी है।